उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक हिंदू महिला ने मुस्लिम युवक पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि युवक ने अपना नाम बदलकर और पहचान छुपाकर महिला का बलात्कार किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हिंदुत्ववादी संगठनों के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने मामले को लेकर गंज डुंडवारा पुलिस स्टेशन में विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में अमन चौहान और आकाश सोलंकी नाम के दो लोग मुख्य भूमिका में थे। अब इस मामले में आरोप लगाने वाली महिला ने अपना बयान पलट लिया है और वो अब ये कह रही है कि उसको पैसे दिए गए थे ताकि मुस्लिम व्यवसाय को फर्जी लव जिहाद के केस में फंसाया जा सके। राधा महिला का नाम है। राधा ने पहले प्रिंस कुरैशी पर खुद को मोनू गुप्ता के रूप में पेश करने का आरोप लगाया था। महिला ने यह आरोप भी लगाया था कि व्यापारी ने उसे शादी करने का वादा कर रेप किया था। महिला की शिकायत के बाद कुरैशी के खिलाफ 16 जुलाई को आईपीसी की धारा 376, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब महिला का कहना है कि अमन चौहान और आकाश सोलंकी ने कासगंज में 27 वर्षीय मुस्लिम व्यवसायी को बलात्कार और लव जिहाद के मामले में फंसाने के लिए पैसे दिए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपियों में से एक यानी अमन चौहान ने फेसबुक प्रोफाइल में खुद को भाजपा यूथ विंग का जिला उपाध्यक्ष भी बताया है। इस मामले में कासगंज पुलिस SP ने बताया, महिला द्वारा लगाए गए आरोपों के साथ बताई गई बातों में सभी तथ्य झूठे पाए गए। SP के मुताबिक जांच के दौरान महिला मेडिकल जांच के लिए तैयार नहीं हुई, फिर उसने कबूल किया और कहा कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। SP के मुताबिक यह मामला दो स्थानियों के बीच का लग रहा है जिनके बीच किसी पुरानी रंजिश का एंगल भी सामने आया है। आप सभी जानते हैं कि 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक कानून लाई थी। कानून का क्या मकसद था? कानून में ये दावा किया गया था कि इसके तहत जिन भी हिंदू महिलाओं को मुस्लिम युवक प्यार का झांसा देके उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे उनको सज़ा दिलाई जाएगी। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस कानून को भाजपा सिर्फ इसलिए लेकर आई थी कि एक समुदाय को टारगेट कर सके। 2020 में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून लाई थी। इस कानून के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा, झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। कानून के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये का जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर SC ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये का जुर्माने के साथ 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। कानून में यह भी बताया गया कि धर्म परिवर्तन की इच्छुक लोगों को निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन करने वाले पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। ये कानून के आ जाने के बाद से ही कई लोगों की गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि ये जो कासगंज का मामला सामने आया है जहां पर महिला बोल रही है कि उसे पैसा दिया गया था मुस्लिम युवक को बसाने के लिए, इस मामले को और जो पुराने मामले सामने आए लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो मामले सामने आ रहे हैं, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम पुरुषों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या पुराने मामले भी फर्जी हैं? क्या उन्हें ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है? जानते हैं एक्सपर्ट से। मेरा मानना यह है और मैंने ये बात अपनी बुक जो योगी आदित्यनाथ पे मेरी पेंगुइन ने छापी है लास्ट ईयर नवंबर में आई थी, उसमें पूरा लिस्ट किया हुआ है और एक क्लासिक केस दिया है कानपुर जोन का, जहाँ के एक IG के रैंक के ऑफिसर ने SIT कॉन्स्टिट्यूट करके इसको इन्वेस्टिगेट किया था। तो वहाँ पता लगा 14 केस रजिस्टर हुए थे एक पर्टिकुलर पीरियड में 2 साल के अंदर, और उनमें से 14 में से 11 फर्जी पाए गए। तो उसी से प्रूव होता है, और मेरा तो शुरू से मानना ये था कि ये एक झूठ को सच बनाने का तरीका है। BJP और RSS का स्टाइल ये रहा है, इसकी जो बैकग्राउंड है वो यही है कि एक तो पूरा उनका सारा जो डायरेक्शन है वो टारगेटिंग है, मुस्लिम्स को किस तरह टारगेट करें। तो उसमें उन्होंने ये एक तरीका ढूंढा कि एक ये फैलाना, ये एक बात फैलाई जा रही थी कि साहब अरे मुसलमान लड़के जो हैं ढूंढ ढूंढ के हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उन्हें कन्वर्ट कराते हैं,
और ये लव जिहाद के इसको नाम दिया जाए लव जिहाद का, पहली दफे ये वर्ड कॉइन हुआ इसी उद्देश्य से जिससे कि फर्दर हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो सके, ये उनका उसी मिशन का एक पार्ट था। और उसमें ये बड़ा सूट करता था कि सैकड़ों केसेस लॉन्च कर दो सबके अगेंस्ट, जो भी हिंदू मुसलमान शादी हो उठा करके कर दो। और उसमें तमाम ऐसे केसेस सामने आए जहां लड़की ने कोर्ट में जाके कहा कि नहीं कुछ ऐसा नहीं है, ये मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है। एक आध केस में तो कोर्ट का भी ऐसा रवैया हो गया कि कोर्ट कहने लगा कि नहीं हम आपके माँ बाप की बात मानेंगे, वो कह रही है हम मेजर लड़की है, हमने तय किया है शादी करना, अपनी रजामंदी से करी है। तो भी ये तरीका, तो क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से ये दिखलाएं कि ये बड़े बड़े पैमाने पे लव जिहाद चल रहा है, भाई तभी तो आप कानून बना पाएंगे। जब आप ये एक माहौल क्रिएट कर देंगे, एक फॉल्सहुड क्रिएट कर देंगे, एक फसाद बिल्ड कर देंगे कि इस तरीके की चीज हो रही है जो कि नहीं हो रही है। और आरएसएस इसमें वो महारत हासिल है कि किसी भी झूठ को इस कदर हद तक पहुंचा देना कि लोग उस झूठ को सच मानने लगे। और उसका ये बड़ा आसान तरीका है कि आप इतने सारे केसेस लॉन्च कर दो, वो तो बाद में तय होता है कि झूठ था सच था, आज से उठा के बंद कर दिया, अखबार में छप गई खबर, अब बाद में छोटी सी खबर छपेगी कि साहब वो केस झूठ था, 15 रोज बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। तो ये जो हाल में आज भी जो है, अब ये टेंडेंसी थोड़ी कम इसीलिए हो गई जब धीमे धीमे सामने आने लगा कि 90% केस तो फॉल्स होते हैं, कुछ थोड़े बहुत केसेस हुए हैं जहां किया गया, जहां वो भी उसमें पर्पस कुछ और रहा है, उसमें पर्पस रहा है पैसा ले लेना या कोई और इंटेंशन रहा है कि भाई रेप कर दिया और ये कर दिया, वो अलग बात। लेकिन लव जिहाद के नाम पे जितने करे गए ज्यादातर फॉल्स पाए गए, और यही ये पूरा फॉल्सहुड क्रिएट करके ये लॉ इनैक्ट कर दिया गया। क्योंकि अगर ये फॉल्सहुड नहीं बनाते, ये झूठ का आडंबर नहीं क्रिएट करते तो कानून नहीं बन सकता था। इसी पर्पस से आज भी उसी कानून को प्रूव करने के लिए कि हम तो साफ सही हैं, इस तरह के केसेस लॉज होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 90% इसमें फॉल्स पाए जाते हैं। वो जमाना खत्म हो गया, किसी जमाने में होता होगा, 1947 के बाद होता रहा होगा शायद, उसके पीछे भी उसकी भी बड़े चीजें हैं, बड़े हिस्ट्री है उसके पीछे। उसमें तब ये भी होता था कि भाई एक टाइम था जब ये पार्टीशन के टाइम पे कि कोई लड़की रेलवे ट्रेन में जा रहे हैं, ऐसे ये साइटेड केसेस हैं किताबों में कि उतरी स्टेशन पे, उतरी पानी पीने के लिए, पहले तो ये फैसिलिटी होती नहीं थी, लोग उतर के नल के पानी पीते थे। अब पानी पीते वक्त तो किसी मुसलमान का हाथ उस पर लग गया, गलती से लग सकता है, तो माँ बाप खुद छोड़ देते थे हिंदू लड़की को उसी स्टेशन पे कि अब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। इतना धर्म को इतना कमजोर बना दिया था कि किसी के छूने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था, तो अब वो लड़की कहाँ जाए। तो जाहिर है कि इस तरह के केसेस में कोई भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी नाजायज फायदा उठाएगा। लेकिन अगर उसे फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाता था, होता था फोर्सिबल कन्वर्जन भी होते थे, तो उसके अंदर से जो नफरत रहती थी, नफरत किसके खिलाफ होती थी, उस हिंदू माँ बाप के खिलाफ जिनकी वजह से उसको ये करना पड़ रहा। और ये नफरत जो है, इस तरीके से ये जो कहा जाता है कि हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड, ये इसी तरीके से पैदा हुई थी। तो हमेशा इसकी शुरुआत झूठ से या कमजोरी से हुई। और आज भी, आज तो पॉलिटिकल फैक्टर हो गया, उस जमाने में पॉलिटिकल फैक्टर नहीं था, आजकल क्योंकि पॉलिटिकल फायदा ऐसे मिल सकता है तो और जोरों में किया जा रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।